हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में जो जूनियर HSC कोऑर्डिनेटर की जॉब वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक आपको प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे में स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है जो आपने रीड करना चाहिए। जैसे जैसे आप इस आर्टिकल को जो है नीचे में स्क्रॉल डाउन करते हो तो आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पर देख सकते हो नेशनल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑफिसर सर्टिफिकेशंस। अब ये सर्टिफिकेशन काय का है इसके बारे में मैं आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। तो नीचे में जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको जो है जॉब के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जूनियर HSC कोऑर्डिनेटर की जो है वैकेंसी निकली है, और ये जो वैकेंसी है ये 9/9/2023 यानी कि आज के दिन ही जो है इस जॉब को जो है पोस्ट किया गया है। अब यहाँ पर जो है 1 से 3 साल का ही जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसके पहले इसको जॉब को जो है आपने कैसे अप्लाई करना चाहिए वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुबई में जो है HSC ऑफिसर की जो है जॉब वैकेंसी निकली है, जहाँ पर जो है आपको 8,000 AED तक जो है सैलरी मिल सकती है। तो अगर आपने इस जॉब को अप्लाई नहीं किया है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इस जॉब को जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी जो है UAE में HSC इंजीनियर की हो गया, एडनॉक हेडक्वार्टर में HSC इंजीनियर की जॉब वैकेंसी हो गया, सऊदी अरेबिया में सेफ्टी ऑफिसर की जॉब वैकेंसी हो गई। तो ये भी जो वैकेंसी है इसको भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कि इस जॉब को जो है आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर द जॉब का ये जो लिंक दिया गया है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस जॉब के बारे में जो सारी डिटेल्स है वो आपके सामने में आ जाती है। जैसा कि ब्लैक डायमंड जो ग्रुप है, ये जो कंपनी है, इनकी तरफ से जो है ये वैकेंसी निकली है जो आज ही जो है इस जॉब को जो है पोस्ट किया गया है। जॉब की जो पोस्ट है वो है जूनियर HSC कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर जो है इस कंपनी के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। आपकी के यहाँ पर जो है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है वो भी जो है आप यहाँ पर रीड कर सकते हो। बात आती है क्वालिफिकेशंस की और एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 1 से 3 साल का जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, और NCSO यानी कि नेशनल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑफिसर सर्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पर अगर आपके पास है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। अब ये सर्टिफिकेशंस क्या है तो जैसे कि मैंने आपको इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में ही बताया था इस सर्टिफिकेशंस के बारे में। तो अगर आपको इस सर्टिफिकेशन के बारे में नहीं पता है तो सिंपली आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपको जो है इस सर्टिफिकेशंस के बारे में जो है डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेशंस आपके पास चाहिए, कुछ जो है बेसिक नॉलेज आपके पास चाहिए जैसे कि आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे चलाना है, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, उसके बारे में जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो है कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आपको लगता है कि ये जो जॉब है आपके लिए सही रहने वाली है तो आप जो है इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का जो है यहाँ पर लिंक दिया गया है, इसके ऊपर जाकर जो है आप इस जॉब को जो है सक्सेसफुली अप्लाई कर सकोगे। तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इस जॉब को जो है सक्सेसफुली अप्लाई कर सके हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।